चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, मैथ्स का पेपर क्यों अटेम्प्ट नहीं हो पाता या बहुत बार क्यों नंबर नहीं आता? क्योंकि साइकोलॉजिकली आप गलत जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप ये एमसीक्यू में जा रहे हो तो बहुत बार एमसीक्यू ऐसा नहीं कि इजी नहीं होते, बट कुछ पार्ट ऑफ एमसीक्यू मैं जानता हूँ 50% ऑफ दी एमसीक्यू बहुत ईजी आएंगे और 50% ऑफ दी एमसीक्यू आपकी जान ले जाएंगे, टू बी वेरी फ्रेंक। लेकिन एमसीक्यू को फटफट पढ़ना, और बहुत बार हो सकता है कुछ कुछ बच्चों का जो बाय डिफॉल्ट मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, मैथ्स अगर वीक होता है तो कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू में एक घंटा बगा देते हैं, ठीक है ना। तो पेपर सीधा स्टार्ट करना है कि पेपर उल्टा स्टार्ट करना है, पहली बात। अब दो स्ट्रेटजी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन से अपने एग्जाम का पेपर स्टार्ट कर सकते हो तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपका पहला वन क्रूशियल आवर है, फर्स्ट वन आवर आपको 3 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन ही करने चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कितने टीचर्स की राय से सहमत हो रहा हूँ, लेकिन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन इजी छुपे हुए हैं। ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन इजी इसलिए छुपे हुए हैं, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को ज्योमेट्री टफ लगती है। अगर बच्चों को बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री टफ लगती है तो अगर वो 5 मार्कर से शुरू करेंगे तो वहां पे सब ज्योमेट्री भरी हुई, सर्कल्स भरा हुआ है, कॉर्ड भरा हुआ है, लाइंस एंड एंगल्स भरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई आपका देखा दिखाया आ गया, पेपर अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो मैं बोलूंगा भले आप 5 मार्क्स से शुरू करो, लेकिन अगर पेपर देखा दिखाया नहीं आया है, पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया है, तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स अगर अपन इनको देखें तो 18+10 ये मार्क होते हैं 28 मार्क, जो कि आपके पहले के 1 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये आपका पहले का 1 घंटा होना चाहिए, इसमें 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, देन अगर हो सके तो सेकेंड लेवल पे आप चले जाओ। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा आपके पास तो आप सेकेंड लेवल पे चले जाओ, इस पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। क्यों 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन? अगर आपको लगता है एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो वो 5 मार्क्स से भी शुरू कर सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल वैल्यू होगा कि पहले 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करो, क्योंकि ना तो ये केस स्टडी है ना तो ये बड़े हैं, तो ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े इजी अटेम्प्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं देंगे और आपको मार्क्स दे जाएंगे। ये आपके 28 मार्क्स पक्के करेंगे पहले आवर में। सर जैसे ही सेकंड आवर शुरू होता है, मेरा सेकंड आवर है पूरा की पूरा दिल से 5 मार्कर्स के लिए। तो अगर आप सेकंड आवर में ये 5 मार्कर वाले क्वेश्चन करते हो दिल ना लगा के, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन आए बहुत अच्छे से पास करो, प्रेजेंटेशन क्लियर रखना, तो सर यहाँ पे आपका सेकंड आवर शुरू होगा, जहाँ पे आपको स्टैट्स का क्वेश्चन मिलेगा, सर्कल्स का बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, कॉर्ड का क्वेश्चन मिलेगा, लाइंस एंड एंगल्स का, सरफेस एरिया का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा। सर इसको आपने सेकंड आवर में क्यों बोला है, क्योंकि देख फर्स्ट आवर में अगर इन्होंने तेरा दिमाग खराब कर दिया तो तेरा बाय डिफॉल्ट पूरा पेपर रॉन्ग जाता है, और टीचर की भी साइकोलॉजी ऐसी बनती है कि तेरा स्टार्टिंग से पेपर रॉन्ग गया तो तेरे को मार्क्स कम देंगे। लेकिन अगर तेरे स्टार्टिंग में यहाँ के क्वेश्चन अच्छे बन गए, सर अगर कभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन छूट जाए, तो सीधी बात है अगर यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन छूट गया मतलब तूने यहाँ पे 24 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है, यहाँ पहुंचा 5 मार्क्स में, यहाँ के कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ध्यान रखना पहले घंटे में 28 से 30 मार्क्स का टोटल पेपर होना जरूरी है, मतलब अगर आप 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो आपका फर्स्ट आवर में अप्रोक्स 30 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, 30 से ऊपर मार्क्स का पेपर होना चाहिए, 30 से ऊपर मार्क्स का पेपर ही फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में आपका 30 मार्क्स का होना चाहिए और लास्ट आवर आपके पास 20 मार्क्स के लिए बचे होने चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर तक जाते जाते आपकी एफिशिएंसी, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी कम हो चुकी होती और लास्ट आवर में टफ क्वेश्चन बचे होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो पहले हो चुके होते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं आते हम छोड़ देते हैं। तो आप लास्ट आवर में ये नहीं सोचोगे मैं इक्वल भेजूँ, पहले घंटे में 30-32 मार्क्स का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी बात है, सेकेंड आवर में कितने मार्क का होना चाहिए 30 मार्क्स का हो जाए, ठीक है ना, लेकिन थर्ड आवर में 20 मार्क्स से ऊपर का टाइम, 20 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए, क्योंकि आपको पेपर रीचेक भी करना है, आपको ये भी चेक करना है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, आपको ये भी चेक करना है आपने सारे एमसीक्यू मार्क करें, ऐसा नहीं कोई एमसीक्यू गलत मार्क कर दिया या एमसीक्यू मार्क तो कर दिया लेकिन उसमें ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिखा, तो ये सब गलतियां किसी भी बच्चे से हो सकती है। सेकेंड आवर में आप जाओगे अपनी फेवरेट ज्योमेट्री प्लस स्टेट्स के पास, अगर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ठीक है ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वाले पार्ट को करके सीधे निकल जाना आप सेक्शन ए में। सर सेक्शन ए आपके लिए रेस्ट जोन बनेगा, कौन सा जोन बनेगा, रेस्ट जोन, क्योंकि अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, तो आफ्टर वन एंड हाफ आवर जब आपके हाथ दुख जाए, जब थोड़ा बहुत पेपर लगे या टफ टफ क्वेश्चन हो गए तो जाओ एमसीक्यू में, धीरे धीरे एमसीक्यू पढ़ो, मार्क कर दे जाओ ऑप्शन, क्योंकि एमसीक्यू में कभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि उनको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, एमसीक्यू में उनको ए बी सी डी चाहिए, तेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तेरे को लग रहा है इसका आंसर ए है, तो कभी ये नहीं बोल रहा पूरा करके देखा, तो ए बी सी
अपने दिमाग से साइड में रफ करके मार्क करते जा, क्योंकि इससे तेरे हाथ को और तेरे माइंड को दोनों को क्या मिलेगी, रेस्ट मिलेगी, कि ताकि अपन फिर से क्या हो जाए, रिजॉइस हो जाए थर्ड ओवर के लिए। तो आपका सेकंड ओवर में टारगेट होगा कि मैक्सिमम यहाँ के कितने 20 मार्क के क्वेश्चन, और यहाँ के आधे एमसीक्यू तो हो ही जाए, हाफ एमसीक्यू तो आपके पास हो ही जाए यहाँ, ठीक है ना। जैसे ही अब थर्ड ओवर चालू होगा तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ओवर में आप स्टार्ट करेंगे जो इसके आपके आधे एमसीक्यू बच गए, मतलब यहाँ के 10 मार्क बच गए, और यहाँ के शायद अप्रोक्स 4x4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4x3 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने मार्क हो गए, 12 मार्क की बची। सर आपने केस स्टडी को सबसे आखिरी में क्यों बोला था, डिपेंड करता है केस स्टडी कैसी आ रही है। केस स्टडी बाय डिफॉल्ट टाइम लेती, मतलब पढ़ो, समझो, आइडेंटिफाई करो, और बहुत सारी केस स्टडी ऐसी होती है, केस स्टडी को जब भी पढ़ रहे हो ना तो उसमें बहुत सी बकवास की बातें होंगी कि मिस्टर राम थे, उनकी इच्छा थी वो एग्रीकल्चर को बढ़ाया, तो उन्होंने एक फील्ड ली, उस फील्ड में उन्होंने बहुत सारे गाय लाए, फिर गाय ने ये करा, ऐसी बहुत सारी बकवास गिवन होगी। इससे हम के मतलब नहीं, हम तो बोलेंगे तू पूछा तेरे को क्या एरिया चाहिए, तो हीरोज लगा देते, तो अगर इसमें क्वार्टर बना के दे रहा है तो तेरे को एरिया ऑफ क्वार्टर चाहिए या कोई और पार्ट चाहिए तो तुम बता दे। तुमको केस स्टडी में पहले की जो 4-5 लाइन होगी फटफट पढ़ते पढ़ते आसपास की बकवास करेंगे, सामाजिक बातें, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा पेपर के थ्रू मॉरल साइंस भी सीखे, लेकिन अपने को मॉरल साइंस नहीं सीखना, अपन मैथ्स के बच्चे, तो मॉरल्स को हटा, हम तो सिर्फ बात करेंगे मैथ्स की बात। तो जो आसपास की बकवास, गणित की कहानी गिवन हो उस पर फोकस करना और बकवास को हटा देना स्टार्टिंग वाली, ताकि तुम केस के मेन मुद्दे पूछो कि केस में क्या निकालना है, क्या एरिया का एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, कि सर्कल में कुछ कोऑर्डिनेट है, या सर्कल में कोई थ्योरम लगेगी, या क्वाड्रिलेटरल कोई एंगल लगेगा, तो देखो वो देखना रहेगा। सर ये आखिरी में इसलिए बोला है कि लास्ट आवर में अगर तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो रहा है केस पढ़ने में, तो तुम पुराना पूरा पेपर करके आए। लगे केस स्टडी बहुत इजी लगती है, क्योंकि ऐसा है इसमें बच्चों की अलग अलग राय है, कुछ कुछ बच्चों को केस स्टडी बहुत टफ लगती, कुछ कुछ को इजी लगती है, जिनको इजी लगती है वैसे कम बच्चे। क्यों? केस स्टडी बाय डिफॉल्ट होगी इजी, आपसे काम बड़ा नहीं कराएंगे लेकिन आपको पढ़वाएंगे बहुत ज्यादा। तो जिन जिन बच्चों का एनालिटिकल दिमाग नहीं है वो केस स्टडी समझ ही नहीं पाते बहुत बार, और बहुत बार पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट कर देते हैं, पेपर छोड़ देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ केस स्टडी पे अगर आपकी समझ उतनी नहीं है तो आखिरी के एक घंटे में ही जाना, उसके पहले पेपर पूरा करके आना, पेपर के अंदर ट्राई करके पॉलीनोमियल नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस, अगर हम बात करूँ स्टैट्स के क्वेश्चंस को ढंग से करके आना, क्योंकि वो मार्क्स फैच कर जाएंगे आपको। ये बात ही मान के चलो कहीं ना कहीं वो जो ज्योमेट्री ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, चलाइंस एंड एंगल्स, इसमें से 50% ऑफ द पेपर वो एनसीईआरटी से देंगे, तो आप इतना लोड मत देना। जहाँ कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिले, मौका देख के चौका मारना, जो रटा रटाया है वो पूरा की पूरा आपका हो जाएगा। ये आपके पेपर का प्लान है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी वे आउट होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, नाइस पेपर एंड नाइस करियर है।